तो हेलो बॉयज, आई होप आप सब ठीक होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट. हमने फाइनली 1000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो हिट कर लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, आज का जो टॉपिक है जिस पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, दैट इज़ हाउ टू सेल ऑन फेसबुक मार्केट प्लेस UK. ठीक है, US के ऊपर मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ कि आप लोग कैसे सेल कर सकते हैं. तो मुझे इसके ऊपर भी क्यूरीज आ रही थी कि आप UK पे भी वीडियो बनाएं. देखें, UK में बहुत कम अकाउंट्स हैं जिन पर शिपिंग ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. तो जिन अकाउंट्स पर शिपिंग ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, वो UK मार्केट प्लेस पर कैसे सेलिंग करें, आइए जानते हैं. ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट कर दें. ओके, आज हम देखेंगे जी के फेसबुक मार्केट प्लेस पर UK की हो या US की हो या कोई भी हो, जहाँ पर शिपिंग ऑप्शन अनलॉक नहीं है, स्पेशली UK में, आप वहाँ पर सेलिंग कैसे कर सकते हैं बाय यूजिंग Amazon एफिलिएट प्रोग्राम. Amazon एफिलिएट प्रोग्राम क्या होता है? बेसिकली Amazon ने एक अपना कमीशन बेस्ड प्रोग्राम अनलॉक किया हुआ है, लॉन्च किया हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि भाई देखो, आप मेरी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो, यानी Amazon पे कोई भी प्रोडक्ट लगी हुई है उसको प्रमोट करो, मैं आपको उसके बदले में कमीशन दूंगा. यानी अगर आपके लिंक से कोई कस्टमर आता है और उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है, तो मैं आपको उसके ऊपर कोई 5%, 4%, 10% कमीशन दूंगा. ठीक है, तो ये कमीशन कितना होता है और किस तरह से चलता है, आए इस सारी चीज़ों को जानते हैं. सबसे पहले देख लेते हैं जी कि कमीशन के रेट्स क्या चल रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज पे. अच्छा, ये मैंने कमीशन के रेट्स खोले हुए. Amazon जो है इस टाइम पे लग्जरी ब्यूटी, लग्जरी स्टोर्स, ब्यूटी, Amazon कॉइन्स, इस जैसी कैटेगरी में आपको 10% तक कमीशन रेट ऑफर कर रहा है. डिजिटल म्यूजिक, फिजिकल म्यूजिक और हैंडमेड प्रोडक्ट्स वगैरह में आपको 5% कमीशन ऑफर कर रहा है. किचन ऑटोमेटिव प्रोडक्ट्स में 4.5% एंड सो ऑन. तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें बेशक, नहीं तो आपको गूगल पर मिल ही जाएगा ये सारा चार्ट. ठीक है, तो आइए जानते हैं कि Amazon एफिलिएट प्रोग्राम का अकाउंट कैसे बनाना है और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है. ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गूगल पर जाना है, यहाँ पर जाकर Amazon एफिलिएट प्रोग्राम को सर्च कर लेना है. ठीक है, Amazon.com एसोसिएट सेंट्रल आपके पास खुल जाएगा. आप यहां से यूनाइटेड किंगडम को सिलेक्ट कर लें. उसके बाद आप यहां पर आके साइन अप करें. जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, वो आपसे कहेगा भाईजान जी आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन बताएं. तो आपने यहां पर अपने बारे में इंफॉर्मेशन बताना शुरू कर देनी है जी. फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहे हैं पे नेम, मैं अपना नेम लिख देता हूँ जी, मोहम्मद अवैस शेख. ओके, ये मुझसे एड्रेस वगैरह पूछ रहा है, क्विकली हम यहाँ पर एड्रेस एंटर कर देते हैं. रावलपिंडी. अच्छा, मैंने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स एंटर कर ली हैं, अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ. ओके, मैंने जैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट किया है, वो मुझसे कह रहे हैं जी आप अपनी वेबसाइट या कोई मोबाइल ऐप वगैरह बता दें. हमारी वेबसाइट तो नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या एंटर कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ. आप सिंपली अपने फेसबुक पर जाएँ, फेसबुक पर जाने के बाद अपने कोई पेज बनाकर आप उसका लिंक यहाँ पर शेयर कर दें. ओके, मैं अपना यही Nextcom का पेज का लिंक शेयर कर देता हूँ यहाँ पर, अपनी कंपनी का ऐड कर देता हूँ और देन नेक्स्ट कर देता हूँ. ओके, चूज़ योर प्रेफर्ड एसोसिएट ID. आपसे ये कह रहा है भेजन कोई भी अपना एक निक नेम रख लें, जस्ट लाइक आप साइन अप करते हैं यूज़र नेम रखते हैं. मैं यहाँ पर रख देता हूँ जी चुनाव. ओके, अच्छा ये कह रहा है वेबसाइट किस बारे में जी, प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट लिख लेते हैं यहाँ पर. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स बेस्ट डिस्क्राइब योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप. अच्छा, यहाँ पर हम कर लेते हैं जी अदर, सेलेक्ट सेकेंडरी टॉपिक, यहाँ पर कर लेते हैं जी बिजनेस इंडस्ट्रियल. ओके, व्हाट टाइप ऑफ Amazon आइटम्स डू यू इंटेंड टू लिस्ट ऑन योर वेबसाइट. हम भेजन DIY टूल्स, बुक्स, क्लोथ्स, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स, ये तकरीबन ये सारी सिलेक्ट कर लेते हैं. अच्छा, व्हाट आर योर वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स,
अच्छा अदर कर लेते हैं, सेकेंडरी टाइप में भी अदर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा हाउ डू यू वॉन्ट टू ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, अच्छा SEO, अदर और ब्लॉग्स कर लेते हैं, ब्लॉग्स नहीं करते, ईमेल कर लेते हैं। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ पर वो अटैच कर दें। ये बेसिकली आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं कि आप जहाँ पर प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके सेल करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन दें। मैं तो फेसबुक पर कहना चाह रहा हूँ तो मैं इसलिए फेसबुक की चीज़ दे दूँगा। अच्छा हाउ डू यूटिलाइज योर वेबसाइट ऐप टू जनरेट इनकम, ई कॉमर्स, ऑनलाइन रिटेल, सेकेंडरी को रहने देते हैं, सेकेंडरी भी कर लेते हैं, हाउ डू यूजली बिल्ड, अच्छा ये कह रहे हैं हाउ डू यू यूजली बिल्ड लिंक्स, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं जी अदर। हाउ मेनी टोटल यूनिक वेबसाइट है रिसीव पर मंथ, हम यहाँ पर कर लेते हैं जी 500 से 5000, आप यहाँ पर कोई भी डाल सकते हैं। वट इज योर प्राइमरी रीजन फॉर ज्वाइनिंग द टू मोनिटाइज माई साइट, अदर कर लेते हैं यहाँ पे। वाई हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस फ्रॉम द amazon.co.uk साइट कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा ये आपसे कह रहा है कि वो करें, प्लीज टाइप, अच्छा ये अब आपसे कह रहा है कैप्चा को फिल करें, हम यहाँ पे इसको फिल कर लेते हैं PTZ88S, एग्री करते हैं जी एंड नेक्स्ट करते हैं। ओके थैंक यू फॉर अप्लाइंग, वंस यू जनरेट ट्रीज क्वालिफाइड सेल टीम रिव्यू द वेबसाइट ऑफ योर सोशल अकाउंट विद योर एप्लीकेशन टू शो दैट यू आर कंप्लायंट विद amazon.co.uk, ठीक है। अच्छा साइन अप फॉर Amazon's यूरोपियन प्रोग्राम, नो थैंक यू, हमारी यूके वेबसाइट के साथ amazon.co.uk एसोसिएट के साथ हमारी आईडी जो है वो रजिस्टर्ड हो चुकी भी है। एंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन, इसको लेटर करते हैं। ओके ये हमारा Amazon एसोसिएट्स का सेलर सेंट्रल जो है वो लॉगिन हो चुका हुआ है। अच्छा अब यहाँ पर आप पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन क्या ऐड करनी है उसको जान लेते हैं। देखिए मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ, अगर आपके पास कोई वाइस का अकाउंट है आप वो यूज़ कर लें, आपके पास कोई पेयर का अकाउंट है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, या आप बाई चेक रिसीव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा आए देख लेते हैं, जो पेमेंट मेथड पे बाय मी बाय डायरेक्ट डिपॉजिट £25 मिनिमम, पे बाय चेक £50 मिनिमम, पे बाय amazon.co, हम यहाँ पे कह लेते हैं जी पे बाय डायरेक्ट डिपॉजिट। अच्छा ये कह रहा है जी बैंक सेलेक्ट कर लें, अच्छा बैंक लोकेशन, अब मेरे पास यहाँ पर पियोनियर का अकाउंट है मैं उसी को यहाँ पर अटैच कर देता हूँ। वो आपसे कह रहा है कि आप ना डायरेक्ट डिपॉजिट बैंक में भी ले सकते हैं अमाउंट अपनी, amazon.co.uk का एक गिफ्ट सर्टिफिकेट होता है जो शॉपिंग के लिए यूज़ होता है वो भी ले सकते हैं और बाय चेक भी रिसीव कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप या तो डायरेक्ट डिपॉजिट करा लें या तो बाय चेक अगर आपके कोई यूके में रिलेटिव रहते हैं तो उनसे रिसीव करवा लें, ठीक है। अच्छा अब ये मुझसे कह रहे हैं कि जी फॉर US टैक्स पर्पस आर यू US पर्सन, तो भाई नहीं हम US पर्सन नहीं है, इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। ओके जी मेरी पेमेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर अपडेट हो गई है, मुझे यहाँ पर ही अपनी सारी पेमेंट्स रिसीव हो जाया करेंगी। अच्छा अब आए देख लेते हैं कि जी हमने Amazon, अच्छा यहाँ पर आपको इंटरफेस थोड़ा समझा दूँ पहले, यहाँ पर देखें आपकी अर्निंग्स आ रही हैं कि जी आपकी जो भी अर्निंग होगी उसका ओवरव्यू यहाँ पर आ जाएगा। एटलीस्ट £25 आप बनाएंगे तेन आप डिपॉजिट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते, और बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें उसको आप कर लीजिएगा, एक्सप्लोर कर लीजिएगा, ठीक है। आए देख लेते हैं कि हमने कैसे यहां से प्रोडक्ट का लिंक जनरेट करना है, उसको अपने मार्केट प्लेस पर जाकर कैसे सेल करना है, ठीक है। यहां पर मैं प्रोडक्ट लिंकिंग में जाकर प्रोडक्ट लिंक्स पे जाता हूं, ठीक है। ओके अब यहां पर ही मुझे कह रहे जी कि आप यहां से जाकर इजिली जो है आपका साइट स्ट्राइप का इस तरह ऑप्शन आ जाएगा, यहां से जाकर लिंक जनरेट कर लें। अच्छा अब हम जाते हैं जी amazon.co.uk में, ये ऊपर देख रहे हैं आप, आपको इस तरह से एक बैनर सा बना आ रहा है Amazon एसोसिएट्स साइट स्ट्राइप का, तो आप यहाँ से इजीली लिंक को जनरेट करके अपने मार्केट प्लेस पर पेस्ट कर सकते हैं। कैसे करें, मैं यहाँ पर है ना कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर लेता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ जी टेलीविजन, ओके जी यहाँ पर लगे हुए हैं कोई भी, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये शॉप आई टी, ये ज़रा एक अच्छा लग रहा है मुझे, तो लेट्स से मैंने ये वाली जो प्रोडक्ट है ये मार्केट प्लेस पर बेच कर इस पर कमीशन लेना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी हमें इस पर कितना कमीशन मिलेगा, ये प्रोडक्ट बिक रही है £149 की, मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, हमारी जो शीट है
हमारी जो कमीशन शीट है, कमीशन रेट शीट है, वो कह रही है जी कि अगर आप टीवी बेचेंगे, जहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है जी, टीवी फायर टीवी, अमेजन स्मार्ट टीवी, डीवीडी एंड ब्लूरे, पीसी, पीसी कंपोनेंट्स, टेलीविजन, अगर सर टेलीविजन बेचेंगे तो आपको 2% कमीशन मिलेगा। तो ठीक है जी, आए देख लेते हैं कितना बनता है। अगर मैं 149 का 2% लगाऊं तो मेरा कमीशन बनता है जी £3 के आसपास। ठीक है, ये तो बहुत कम कमीशन है। कोई और प्रोडक्ट देखते हैं, लेट से मैं ये देख लेता हूँ, ये प्रोडक्ट लगी हुई है या ये वाली प्रोडक्ट उठा लेते हैं, £749 की। भाई कमीशन तो अच्छा बने, तो £749 को देख लेते हैं। ऐसे ये कमीशन अगेन बता रहा हूँ, कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करता है। 7.49 इंटू 2% था 0.02, सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये 749 इंटू 0.02, तो यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट £15 बन जाएगा अगर मैं इस टीवी को सेल करता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से अपनी FBM Fox की एक्सटेंशन को इंस्टॉल रखना है अपने पास, आपकी FBM इसको लॉगिन रखना है आपने अपने पास। अगर आपको नहीं पता है इसको कैसे लॉगिन करना है, कैसे लिस्टिंग करनी है, तो आप मेरी लिस्टिंग वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से जाकर सिंपली लिस्ट नाउ करूँगा और ये ऑटोमेटिकली मेरे फेसबुक मार्केट प्लेस पर जाकर पेस्ट हो जाएगी, और ये ऑटोमेटिकली मेरे फेसबुक मार्केट प्लेस पर जाकर पेस्ट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से मैं इसकी इमेजेस वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट से मैं कहता हूँ भाई ये इमेज रखनी है, इसको रिमूव कर लेते हैं, इसको रख लेते हैं, इसको रख लेते हैं, इसको भी रिमूव कर लेते हैं, तीन इमेजेस बहुत हैं। ओके, यहाँ पर आते हैं जी, इसका टाइटल सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं ये हटा देता हूँ जिस पे लिखा हुआ हाई सेंस, ये मैं हटा देता हूँ। अच्छा, ये हटा कर जी मैं इसका टाइटल सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी अच्छा सा, विथ प्रीव्यू प्ले एंड एलेक्सा बिल्ट इन प्ले। ओके, ये हमने टाइटल इसका कर दिया। प्राइस जो है वो आप इसकी लिख दें, लेट से। अच्छा, मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप इसकी प्राइस ना हमेशा लो रखें। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। ये एक दफ़ा लिस्टिंग कर लें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर न्यू कैटेगरी। अच्छा, इसका आप कर लें जी इस तरह से बुलेट पॉइंट्स बना लें इसके। ये कर लिया, ओके, हमने इसके कर लिए, ये सारा कुछ हम हटा देते हैं। ठीक है, ये भी हटा देते हैं। ये चीज़ें मैं रेकमेंड करूँगा आप हटा दें, क्योंकि अगर उसने देखना है तो वो जाकर उधर भी लिख सकता है, अमेज़न से भी देख सकता है। ठीक है, ओके ओके, चीज़ें हमने कर दी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ना अपना लिंक टू बाय दिस प्रोडक्ट बल्कि लास्ट में ना डालें, आप इसको टॉप पर डालें। टू बाय दिस प्रोडक्ट विजिट आवर शॉप ऑन Amazon। ठीक है, नीचे अपना लिंक दे दें। अच्छा, लिंक कैसे जनरेट करना है, आए वापस आते हैं। यहाँ पर थी प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पर आपको बाहर नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ है जी गेट लिंक। आप यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करें, ये आपका लिंक जनरेट हो गया। आप चाहे तो फुल कर लें, चाहे तो शॉर्ट कर लें। ठीक है, तो इसको आप करके ना कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दें। अब जिसने यहाँ से बाय की वो सीधा जाएगा आपके यहाँ पर बाय कर लेगा। ठीक है, इस लिंक को ओपन करेगा तो वो जाके बाय करेगा, आप अमेज़ॉन आपको जो है डिडक्ट कर लेगा जी हाँ आपके लिंक से जाके बाय हुआ, और आपको इसका कमीशन मिल जाएगा। लिस्टेंस इन स्टॉक कर देते हैं, ब्रांड फ़िलहाल रहने देते हैं। प्रोडक्ट टैग्स मैं आपको रेकमेंड करूँगा डालें, टेलीविजन
टीवी, उसके अलावा स्मार्ट टीवी, 65 इंच टेलीविजन, एलईडी टीवी, ठीक है, इस तरह से करके आप 20 डेक्स डाल सकते हैं, तो 20 ही डाल दें बेहतर है। एसकेयू में अगर आपने इसका एसिन पेस्ट करना है तो कर दें, दैट इज़ वेरी गुड। आपको याद रहेगा मैंने प्रोडक्ट कहाँ से उठाई है। लोकेशन आप यहाँ पर कोई भी डाल दें, ब्रेमिंगम डाल देते हैं जी। अच्छा, यहाँ पर आप लिख दें जी डोर पिकअप, डोर टू डोर ऑफ अ पब्लिक मीटअप, सब कुछ अवेलेबल है। और नेक्स्ट करके इसको आप डिफरेंट ग्रुप्स में भी चाहें जाते हैं तो इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। आप डिफरेंट ग्रुप्स में भी इसको शेयर करना चाहते हैं तो लाजमी करें। ये करने के बाद आप इसको जैसे ही पब्लिश करेंगे तो ये आपकी लिस्टिंग को लाइव कर देगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ कही थी कि आप इसकी प्राइस को लो रखें, ऐसा मैंने क्यों कहा मैं आपको बताता चलूं। अमेज़ोन पे जब भी कस्टमर आपके लिंक से जाएगा इस प्रोडक्ट को बाय करने, तो एक बात ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं है कि वो इस चीज़ को बाय करे और ये ना बाय करे, कोई और जाके बाय कर लें तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। नहीं, अगर वो आपके लिंक से आए अमेज़ोन पे, वो जितनी मर्जी चीज़ें बाय करे, ठीक है, वो ये बाय ना करे, कुछ और बाय कर ले, तब भी आपको कमीशन मिलेगा। दैट्स आई एम सेइंग कि आप इसकी प्राइस इतनी लो रखें ताकि कस्टमर एक दफ़ा वेबसाइट पर जाए ज़रूर। अगर उसने ये बाय नहीं करना, कुछ और बाय कर ले, उससे हमारा ये फ़ायदा होगा कि हमें उसका कमीशन मिल जाएगा। अब ये देखें, हमारी ये प्रोडक्ट पेस्ट हो गई, इसको यहाँ पर इसका लिंक एक दफ़ा कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके देखते हैं। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पर 149 वाली इसका लिंक कर दिया था, पेस्ट कर दिया था। चले कोई नहीं, इसके बजाय हमने उसका लिंक पेस्ट कर दिया, लेकिन हमें इस चीज़ की समझ आ गई कि हाँ यार, लिंक जो है इससे हमारी ये खुल जाती है। अगर यहाँ से जाके वो बाय नाउ करता है तो आपको इसका कमीशन मिलेगा। कैसे मिलेगा जी, मैं आपको बताता हूँ। आपका ना ये देखें, आपको लिंक के अंदर ही नज़र आ जाएगा, ये देखें आपका यूज़र नेम डला हुआ है, तो अमेज़ोन यहाँ से डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ भाई, आपके दिए हुए लिंक से बायर आया है और आकर इसने इस प्रोडक्ट को परचेज़ किया है। इसको नहीं किया, किसी और को भी किया, तब भी आपको कमीशन मिल जाएगा। तो ये थी जी आज की वीडियो। अच्छा, एक दो चीज़ें और बता दूं मैं आपको, किसकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है यार, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आप या तो VPN यूज़ कर लें जो स्टैटिक हो, या मैं रिकमेंड करूँगा VPS यूज़ करें। और Amazon एसोसिएट का अकाउंट खोल लें, बहुत सिंपल है। Payoneer का अकाउंट खोल लें, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, जाके साइनअप करें। और Facebook का अकाउंट होना चाहिए आपके पास, UK का। UK का नहीं भी है तो कोई और चला लें, इससे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, हमने कौन सा शॉपिंग ऑप्शन अनलॉक कराना है, और आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा इशू होता है कि कस्टमर को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कस्टमर आपके लिंक से जाए और जाके परचेज करे तो ये बड़ी हेक्टिक होती है। बेहतर है कि शिपिंग ऑप्शन इनेबल हो। अच्छा, दूसरी हेक्टिक ये हो जाती है कि कस्टमर अगर नहीं आपके लिंक से जाता, या आपको मैसेज कर देता है कि भाई इज़ इट अवेलेबल, क्योंकि डेफिनेटली जब शिपिंग ऑप्शन नहीं अवेलेबल तो वो या तो आपको मैसेज करेगा, या तो वहीं से बाय नाउ का ऑप्शन तो है ही नहीं तो डेफिनेटली मैसेज करेगा। तो जब वो मैसेज करता है और आप लिंक आगे से भेजते हैं कि भाई यहाँ से जाके परचेज कर ले, तो ये आपके कन्विंसिंग पावर के ऊपर आ जाती है। समटाइम्स कस्टमर नहीं कन्विंस होता और वो चला जाता है, नहीं बाय करता है, बट समटाइम वो कन्विंस हो जाता है और आपसे इस प्रोडक्ट को बाय कर लेता है, ठीक है। तो बाकी ये है कि इसमें कमीशन रेट्स लो हैं, लेकिन स्टिल आपके कोई पैसे तो नहीं लग रहे, तो इट इज़ वर्थ ट्राइंग, तो ट्राई ज़रूर करें। बाकी दुआ में याद रखिएगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।